हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन कौशिक किचन। आज हम बनाएंगे गोभी का पराठा। उसके लिए हमने ले लिया है गोभी। और हमने लिया है नमक, बारीक कटा हुआ अदरक, हींग, मेथी की पत्तियाँ, बारीक कटी हुआ धनिया पत्ती, हरी मिर्ची और जीरा। अब हम सबसे पहले गोभी में डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और हल्का गुनगुना पानी। पानी इतना डालेंगे कि गोभी उसके अंदर डूब जाए अच्छे से। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम गोभी को नमक के पानी से बाहर निकाल लेते हैं। नमक के पानी में रखने से गोभी के अंदर की जितनी डर्ट होती है वो निकल जाती है, इसलिए हम इसको नमक के पानी में डाल करके रखते हैं और इसको पूरा निकाल लेंगे। अब हम गोभी को कद्दूकस करते हैं। ऐसे पूरे गोभी को हम कद्दूकस कर लेंगे। गोभी कद्दूकस हो चुकी है। अब हम लेंगे एक फ्राई पैन। फ्राई पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटा चम्मच घी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हींग। जीरा इसको थोड़ा चटकने देंगे। डालेंगे कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची। अब इसमें डाल देंगे मेथी पत्ता। मेथी की पत्तियाँ थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कसी हुई गोभी। और इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच सके। अब हम इसमें डाल देंगे हम नमक। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए और इसको चलाते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हरा धनिया डाल देंगे और गोभी को ठंडा होने देंगे। तब तक हम आटे को तैयार कर लेते हैं। पराठे के लिए स्टफिंग और आटा दोनों तैयार हैं। आटा थोड़ा सा सोटा में लगा के रखना है। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। अब हम लेंगे आटे की एक छोटी सी लोई, उसके ऊपर लगाएंगे सूखा आटा और उसको छोटा सा बेल लेंगे। अब हमें इसे एक कटोरी का शेप दे लेना है। इसमें डालेंगे स्टफिंग और इसको ऊपर से ऐसे करके बंद कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हटा देंगे इस तरह से और अब इसको बेल लेंगे। अब इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे और इधर तवा भी गर्म हो गया है। अब हम इसको डाल देंगे। ऊपर से लगाएंगे ऑयल। ऐसे ये आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होने लगा है। इसका मतलब है नीचे वाली साइड से पक चुका है। अब हम इसमें इधर भी ऑयल लगा देंगे। पराठा हमारा दोनों साइड से सिक चुका है। अब हम इसको एक बार फिर पलटेंगे। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से फूल गया है। ऐसे ही हम सभी पराठों को बना करके तैयार कर लेंगे।
भी पराठे बन के तैयार हैं। आपको हमारी ईजी गोभी पराठा रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो फटाफट लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।